स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। ये आज जैसे कि देवरिया में आप हैं, करिया फिल्म में शूटिंग कर रहे हैं, नाम है करिया देवरिया में शूटिंग, क्या कहना चाहेंगे? करिया इन देवरिया फिल्म का नाम है करिया, और इससे काला गोरा का कुछ लेना देना नहीं है। कैरेक्टर का नाम है करिया, जो हमारी फिल्म के हीरो हैं अंगद ओझा जी, और फिल्म को डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं अंगद ओझा जी, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये देवरिया में करिया की शूटिंग आप लोग देख रहे हैं अभी। किरदार कितना लगे? जैसे भी आप गाना गा रहे हैं तो हीरो हीरोइन है क्या आप? नहीं, मैं हीरो का दोस्त हूँ, और मुरारी नाम है। तो हीरो का दोस्त जो है अपनी पत्नी से उसका कुछ ट्रैक है, जो हमेशा हर पति पत्नी की तरह वो झगड़ते रहते हैं। तो ये झगड़े वाला गाना चल रहा था जिसे अभी आप देख रहे थे। हाँ, महिलाएं रूठी रहती है, पति मनाता रहता है, वही सिचुएशन है जो आप देख रहे थे। बहुत अच्छी जगह है ये, देवरिया के एक गाँव में हम लोग आए हुए हैं। पूरी टीम बड़ी अच्छी है, और प्रसून यादव जी कोरियोग्राफर हैं, और माही सिंह हमारे साथ को आर्टिस्ट के रूप में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और भी कई आर्टिस्ट हैं इसमें, अयाज खान, मनोज टाइगर जी हैं, सोनिया मिश्रा, जोया खान, अमित शुक्ला भी है, और भी कई आर्टिस्ट आने वाले हैं। तो अच्छी फिल्म बन रही है। बालेश्वर सिंह जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इसमें। हाँ, और एक बात, ये जो देवरिया गांव है, ये बालेश्वर के गांव में ही हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। निगेटिव रोल बालेश्वर इस फिल्म में कर रहे हैं, और भी कई कलाकार आने वाले हैं। आज से शुरुआत हुई है। बात करें जो है अंगद कुमार ओझा जी, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, हीरो भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, उन्हें मल्टी टैलेंटेड हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं उनको कल से देख रहा हूँ, बहुत मेहनती हैं वो। स्क्रिप्ट पे भी उनकी पकड़ है, डायरेक्शन पे भी उनकी पूरी नज़र है, और हम लोग परफॉर्म तो कर ही रहे हैं। फिल्म को उन्होंने ही डिज़ाइन किया है, और हैदराबाद से यहाँ भोजपुरी सिनेमा के लिए देवरिया के गांव में आना ये पैशन है उनका। तो उनके पैशन को हम लोग समझ रहे हैं, और काफ़ी कोऑपरेटिव माइंडेड हैं वो, और हम लोग भी उन्हें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इस गाँव में। और बाकी आप तो सब देख ही रहे हैं रामचंद्र जी। बात में अंगद जी की बात की जाए, हैदराबाद से तमिल इंडस्ट्री से हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में तेलुगु, हाँ तेलुगु तेलुगु हैं, और भोजपुरी में क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली वो आरा से हैं, और वहाँ उनका व्यवसाय है तेलुगु, मतलब हैदराबाद में शायद। तो वहाँ से जो फिल्म बनाने की उनकी चाहत रही थी, तो वो बनाने चले तो उनको अपने ही गांव की याद आई, इस वजह से वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का बैकग्राउंड जो है, जो लोकेशन चाहिए होता है, वो सब यूपी बिहार में ही मिलता है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। एक बार पिछली बार भी आए थे तो लॉकडाउन लग गया था, तो कुछ चीज़ें होते होते रह गई थी। तो इस बार फिल्म को कम्प्लीट करने का इरादा है उनका। तो भोजपुरी साथ साथ क्या यह फिल्म तेलुगु में भी दिखाई जाएगी, या तेलुगु इंडस्ट्री में भी एंट्री हो जाएगी? नहीं, मेरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन हाँ, ये फिल्म तेलुगु में डब होगी, और वहाँ पे रिलीज़ करने की प्लानिंग चल रही है, ये सच बात है। मुझे बात की जाए तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन पहले कितनी फिल्में लगभग कर चुके हैं, आने वाली फिल्में कौन कौन सी आपकी? लॉकडाउन के बाद ये जो लेटेस्ट अभी लॉकडाउन का जो ब्रेक हुआ था, उसके बाद मेरी 10-12 फिल्में तो शूट हुई है। पवन जी की धर्मा, खेसारी भाई की आशिकी, और बहुत सारी फिल्में हैं जो अभी रिलीज़ होने वाली है। तू दिया बाती हम, कुणाल तिवारी जी की है, काफ़ी फिल्में हैं। एक सुबा राव जी की फिल्म आएगी, बहुत सारी फिल्में अभी पोस्ट प्रोडक्शन के दौर से गुजर रही है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में आने वाली है। पारिवारिक फिल्मों का दौर एक बार फिर से वापस आ रहा है, सो अच्छा लग रहा है देखकर। किरदार की बात करें, किन किन किरदारों अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, किस कौन कौन से किरदार यादगार रहे आपके? मैं किसी किरदार में खुद को स्थापित नहीं करना चाहता, वो किरदार स्थापित हो जाता है तो हम स्थापित हो जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो रोल हमें मिला हो उसको 100% उसके साथ न्याय करें, और बस अपने रोल पे कंसंट्रेट करते हैं, ताकि सिनेमा में वो बहुत बढ़िया दिखे, और जब हम अच्छा काम करेंगे तो सिनेमा अच्छा दिखेगा ही। आपको
आज गाना था, इसमें आपको डांस भी करना पड़ा था, तो कितना मेहनत करनी पड़ी, तैयारी करनी पड़ी थी? मैं डांसर नहीं हूँ, ये कोरियोग्राफर हैं जो हमें नचा लेते हैं। जैसे आज प्रसून भाई ने नचा लिया, कभी कानू दादा नचा लेते हैं, कभी रामदेवन जी नचा लेते हैं, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ एक्चुअली। और उनको फॉलो करते करते जो कुछ हमसे हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया डांसर तो नहीं हूँ मैं, बट कोशिश करता हूँ। करिया फिल्म के लिए दर्शक कुछ क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? करिया फिल्म के बारे में दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब फिल्म आएगी तो एक बार फिल्म ज़रूर देखिए और हमें अपना सुझाव भी दें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो वहाँ पर आप अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, यूट्यूब पर भी लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, तो आप अपना कमेंट्स देते रहें ताकि हम उसे पढ़ के आपके सुझाव को समझ कर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू रामचंद्र, थैंक यू। जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच, सारे लोगों को बहुत प्रणाम, हेलो हाय। सर आज आप कहाँ पे हैं और कौन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? हाँ, इसको मैं डायलॉग में कन्वर्ट करके आपको बोलता हूँ। फिल्म का नाम है करिया और अभी हम शूट कर रहे हैं देवरिया, और मेरे टी शर्ट का कलर भी है करिया। तो हम लोग देवरिया में हैं और करिया फिल्म की शूटिंग में हैं। आज गाना हो रहा है जो प्रकाश जैसी और माही सिंह जी के ऊपर फिल्म आया जा रहा है। हमारे प्रोड्यूसर अंगद कुमार ओझा जी हैं, डायरेक्टर भी वही हैं अंगद कुमार ओझा जी। सो अभी हम लोग गाना कर रहे हैं, लास्ट अंतरा बचा हुआ है वही गाना कर रहे हैं गाने का। हाँ तो फर्स्ट डे है तो मतलब मज़ा आ रहा है, गाने तो ऑलमोस्ट मैंने सारे सुने हैं, मतलब वो तो गाना आया उसके बाद डिस्कशन हुआ तो बहुत अच्छी फिल्म है। एक आइटम नंबर भी है, माँ के ऊपर भी एक माँ बेटे का प्यार कुछ ऐसा गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। मतलब सारे गाने अलग अलग टाइप से हैं। मैंने लास्ट टाइम इनकी की थी फिल्म अंगद कुमार ओझा जी की, जो तेलुगु प्लस भोजपुरी दोनों में मतलब बनी थी वायरस। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ मेरा। अंगद कुमार जी की बात की जाए तो उनके फिल्मों के नाम भी डिफरेंट होते हैं, काम करने का तरीका भी अलग। हाँ भोजपुरी जब भी आते हैं कुछ अलग ताल का मचाने आते हैं। हाँ हाँ, हमने लास्ट टाइम हैदराबाद में भी शूट किया था उनके साथ वायरस, जो तेलुगु में शैतान नाम से रिलीज हुई थी, तो उस टाइम में उनकी टीम जो होती है काफ़ी मतलब टाइम की पंचुअल, हर लोग सारे लोग टाइम के पंचुअल होते हैं एंड मैं भी पंचुअल होता हूँ। क्योंकि जितने टेक्नीशियन हैं सब अच्छे हैं, जितना उनका कास्टिंग है बहुत बढ़िया है और सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा आ रहा है काम करके। वो हमारे प्रकाश जैस जी हैं और माही सिंह जी। गाने का सिचुएशन ये है कि पति पत्नी हैं दोनों, और थोड़ा सा अचानक से बाहर से मतलब जब वो आते हैं प्रकाश जी तो अपनी बीवी को देखते हैं घर के आगे, तो थोड़ा सा आज उनका मन कैसे होता है कि थोड़ा रोमांस करने का मन आदमी का अचानक से होता है, सो गाने का सेंस वही है। एंड मन हुआ रोमांस करने का? नहीं नहीं, मेरा रोमांस करने का मन करता है तो मैं रील बना लेता हूँ। रील पर रोमांस कर लेता हूँ। नहीं मैं तो बहुत पहले से हूँ, बहुत लोग तो हैं मतलब। हाँ ठीक है ना, अच्छा टाइम पास होता है, आदमी बोर नहीं होता है और ठीक है, फैन फॉलोइंग का वो भी जरिया बहुत अच्छा है। करिया फिल्म के जो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और हीरो भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं अंगद कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे के बारे में? यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। एक तो वो भी हमारे अंगद कुमार जी की बात की जाए, जो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड मल्टी पर्पज कलाकार, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आता है और जब मैं गाना करता हूँ तो उसमें भी वो चीज़ें बताते हैं, कुछ ऐसा कराओ ना प्रसून, कुछ ऐसा कराओ ना। हाँ मतलब हमारे यारा से है, मेरा थोड़ा सा मतलब बहुत पहले से उनसे अच्छा रिलेशन है, तो आते हैं गाने के बीच में भी कि ऐसा थोड़ा कुछ हो सकता है क्या, तो मैं करता हूँ, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। अगर कोई बीच में अच्छी चीज़ें बताता, अगर हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर या फिर कोई भी टेक्नीशियन अच्छी सलाह देते हैं तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और कराना चाहिए, तो उससे काम और बढ़िया होता है, तो मज़ा आता है। हर बार का एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत बढ़िया रहा, पिछले बार का भी रहा है, इस बार का भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है एंड आगे भी उम्मीद करता हूँ कि रहे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे फिल्म करने
दर्शकों से ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मेरे सारे गाने जो अभी मतलब मिलियन 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 जा रहे हैं, मेरे डांस की वीडियो भी जा, वैसे इस फिल्म के सारे गाने को भी आप लोग बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा देखने के बाद, और हम लोग अपना काम इसी तरह अच्छे से करते रहेंगे और दिन पे दिन अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। मैम आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह। अभी मैं देवरिया में हूँ, मैं फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ। फिल्म का नाम है करिया और इसके हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अंगद ओझा जी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। आज मेरा एक गाना शूट हुआ और मेरे साथ प्रकाश जैस जी हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आगे भी उनके साथ काम करना चाहूँगी। आज आपने खूब मस्ती किया, डांस किया। हाँ, एंजॉय किया आपने शूटिंग? बहुत मस्ती करी, बहुत डांस किया और एंजॉय किया मैंने। तो ये फिल्म की मेकिंग को लेके क्या करना चाहिए? मैं इस फिल्म के लिए बोलूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छी तरीके से शूट हो रहा है इसका और सबका बहुत ध्यान रखा जा रहा है, और जब ये फिल्म आएगी तो आप लोग देखेंगे ही। बहुत मेहनत हुई है इसमें और चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें और इस फिल्म को और ऊपर तक लेके जाएं। जो फिल्म के हीरो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर हैं अंगद कुमार ओझा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो आगे कभी भी काम करें तो मैं उनके साथ काम करूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, और डायरेक्शन में भी अभी मेरा सिर्फ एक ही सीन शूट हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कूल हैं वो। मेरी बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, बलमा बिहार वाला, गुंडे, एक्शन राजा, और अभी आने वाली फिल्म है मेरी करिया। फिलहाल अभी मैं यही फिल्म कर रही हूँ जी। तो ये देवरिया, हाँ, ये देवरिया में शूट हो रही है, यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छे से शूट हो रहा है। अपने फैंस और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी ये फिल्म आए तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.